मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने वालों का दर्द बेवजह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह लाख कहे कि ये कानून नागरिकता देने वाला है ना कि नागरिकता लेने वाला, लेकिन नागरिकता साबित करने की बात सुनकर ही रूह कांप जाती है। इस समय हम मौजूद हैं मुंब्रा के शाहीन बाग में और यहाँ पर शाहीन बाग में आज 36 दिन हो गए हैं यहाँ पर महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। और इसी मुंब्रा के शाहीन बाग में आज हमारे साथ मौजूद है प्रशांत कन्नौजिया जो पत्रकार हैं और दिल्ली से आए हुए हैं जो यहाँ मुंब्रा के शाहीन बाग में, हम इन्हीं से बात करते हैं जिस तरह से इस कानून को लेकर जो है लगभग पूरे देश में जो है एक शाहीन बाग बनकर तैयार हुआ है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली के आज जो हालात हैं वो बेहद ही गंभीर है इस कानून को लेकर। वहाँ पर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और टकराव हो रहा है उनमें। देखिए, जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये दोनों चीज़ करने का अधिकार है। ये हर आदमी की स्वतंत्रता है कि वो किस कानून का समर्थन करे, किसका विरोध करे। पर ये खास बात यह है कि पिछले 70 दिनों से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। सिर्फ जो प्रो सी हैं वही हिंसा करते नजर आए हैं, गोली चलाते नजर आए हैं। आज चाहे वो दिल्ली के अंदर जितने भी दंगे हुए, प्रो सी ए करते हुए नजर आए, गोलियां मारते हुए नजर आए, पत्थर मारते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कानून सरकार बनाई और उसके समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई जायज़ है, इसके लिए यहाँ तक अभी तक आप हिंसा नहीं देखा होगा आपने, लेकिन प्रो सी ए वाले हिंसा करते नजर आ रहे हैं और ये कानून सच में इस देश के संविधान के खिलाफ है। और संविधान के अगर खिलाफ है तो यानी एक बार संविधान को इन्होंने अपने मूल भावना से दूर कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर मनुस्मृति का काल आएगा जिसमें मुसलमानों से ज़्यादा दलित पीटे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई जायज़ है और जो प्रो सी हैं अगर उनको कोई विरोध दर्ज करना है तो पीसफुली करें, अगर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो यानी कि वो हमसे डर गए हैं और उनको लगता है कि अगर कोई हिंसा से हमें डरा लेंगे तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस तरह से कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, लोगों से कहा कि हम 3 दिन में इसको जो है खाली करा के दिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या उसका असर है जिस तरह से कल से जो है ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इतने दिनों से जो है शांतिपूर्ण था लेकिन कल से जो माहौल है और आज जिस तरह से जो माहौल वहाँ पर हुआ कि 8 राउंड फायरिंग एक शख्स पुलिस के सामने कर रहा है लेकिन पुलिस जो है उसको रोकने में जो है नाकामयाब रही। देखिए, आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव के समय चाहे कपिल मिश्रा हो चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, उन्होंने मंचों से कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारेबाजी हुई जिसके बाद जामिया में और शाहीन बाग में गोलियां चलीं। तो जाहिर सी बात है इनके भाषण का प्रभाव पड़ रहा है और युवा बंदूक उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर कपिल मिश्रा ने जब तक भाषण नहीं दिया तो कोई हिंसा नहीं हुई थी, उन्होंने हिंसा की धमकी दी उसके बाद हिंसा हुई और 8 राउंड फायर हुई, क्योंकि दिल्ली जो है दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अंदर में आती है जिसका नेतृत्व अमित शाह करते हैं। तो अब जब अमित शाह का इतिहास हम जानते हैं, उन्होंने गुजरात में किस प्रकार पुलिस को गुंडा बनाकर कितने फर्जी इनकाउंटर किए, कितने लोगों को बेगुनाहों को मारा है, तो जाहिर सी बात है अब जब दिल्ली में आए तो वही काम कर रहे हैं। अब पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है, पुलिस का काम महज इन्होंने चालान काटने तक महदूद कर रखा है। जामिया में जब गोली चलती है तो भी पुलिस खड़ी होती है, शाहीन बाग में गोली चलती है तो भी पुलिस खड़ी रहती है और आज जब हुआ तभी पुलिस खड़ी रहती है। और शर्जील इमाम ने बस कह दिया कि चक्का जाम कर दो तो उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर आसाम भेज दिया, दिल्ली ला रहे हैं, बिहार ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोगला नीति अपनाया जा रहा है और हमारे देश के कानून पर हम लोगों का विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है और न्यायालय पर भी कमज़ोर होता जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा जो ये कपिल शर्मा का जो बयान आया था और उसके बाद से जो है लगातार हिंसाएं हो रही, आगजनी हो रही है और पुलिस नाकाम साबित हो रही है, लेकिन जिस तरह से सीएम है दिल्ली के केजरीवाल, तो क्या उन्हें भी इस मसले पर आवाज़ उठाना चाहिए या आज जिस तरह से उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया कि दिल्ली जल रही है बस यहीं तक उन्हें सीमित रहना चाहिए? मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को बस ट्वीट से बाहर आकर अब सड़कों पर इन सबके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। केजरीवाल का दायित्व ये नहीं बनता उनके जिस शहर के जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य को जो है जिस तरह से हिंसा हो रही है वहाँ, तो उन कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है, तो क्या उनको दायित्व नहीं बनता कि हमारा राज्य बर्बाद हो रहा है तो उन्हें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए या ये सिर्फ कहकर छोड़ देना चाहिए कि पुलिस जो है गृह मंत्रालय के हाथ में है?
नहीं, बिल्कुल उनका दायित्व बनता है कि बतौर मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं भी होते, महज एक विधायक होते जो अपोजिशन के लीडर होते, तब भी उनका उतना ही दायित्व बनता है जो उतना बतौर मुख्यमंत्री है। अब ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है। अब जब नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर वो सड़कों पर इन पीड़ित लोगों के साथ अगर खड़े हों और उनके साथ नारे बुलंद करें, और जिस प्रकार वो लोकपाल के समय आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, अगर उसी तरह वापस हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो नहीं लड़ना चाहते, सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो ये फिर उनकी राजनीति है। और फिर ये वो कहने का हक खो देते हैं कि वो जनता की आवाज़ है या वो आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी सड़क पर लड़ रहा है और जो आम आदमी के साथ है उसको आम आदमी के साथ सड़कों पर आकर लड़ना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अब जो उसमें समर्थक, जो सीए के समर्थक है, उनका भी अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करना। लेकिन जिस तरह से ये टकराव हो रहा है और उसमें राजनीतिक लोग आकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो महिलाएं कर रही हैं सीए के विरोध में, क्या उन्हें उनका प्रोटेस्ट खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है इस तरह का जो है वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है? इसको टकराव नहीं कहा जा सकता, इसको हमला कहा जा सकता है। क्योंकि टकराव तब होता है जब दो लोग लड़ रहे हो। यहाँ तो एक वर्ग जो है वो शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा वर्ग उस पर हमला कर रहा है, गोलियां चला रहा है, उसे मारने की धमकी दे रहा है। तो ये टकराव नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हमला है उन लोगों के खिलाफ जो लोग सीए और एनआरसी से कानूनी कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और अब क्या दूसरा सवाल क्या था आपका? हाँ, अब माहौल जो खराब हो रहा है उसका जिम्मेवारी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम तो सरकार का है। अब सरकार ही अपने हाथ खड़े कर रही है। गृह मंत्री बोल रहा है इतने जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, हालांकि जनता ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन आप जब ये देखें कि एक गृह मंत्री ऐसी बात कर रहा है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो माहौल है तो उसके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है भारत में आए हुए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए हुए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का माहौल जो है जानबूझकर जो है खराब किया जा रहा है, एक राजनीति षड्यंत्र के तहत जो है ये हो रहा है। इसने खराब किया, ये पहली बात तो सबको मालूम होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के पार्टी के ही नेता हैं कपिल मिश्रा, इन्होंने माहौल ख़राब किया। और नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ताजमहल दिखा रहे हैं, ये चाय पी रहे हैं उनके साथ, ढोकला खा रहे हैं। तो अपन उनके उनका एक आदमी उनका स्वागत करता है, दूसरा आदमी एक दंगा फैलाता है। और ये सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, टीवी चैनल पर मीडिया भी आप देख रहे होंगे, विपक्ष परेशान है। अरे विपक्ष तो कहाँ कुछ कह रहा है, सारा काम तो आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी भी आपकी पार्टी करे, मेहमान नवाजी भी आपकी पार्टी करे, और जिम्मेदार नेहरू, हर चीज़ की इसकी भी जिम्मेदारी नेहरू पे डाल दीजिए, बड़ा आसान होगा देश के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है जर्नलिस्ट प्रशांत कन्नौजिया जो है अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे और वो मुमरा के शाहीन बाग में आए हुए थे आज दिल्ली से, जिस तरह से आज दिल्ली के हालात हैं वहाँ पर, जिस तरह से आगजनी हुई, गोलियाँ चली हैं और पुलिस की कहीं ना कहीं जो है नाकामी भी साबित हुई है। लेकिन जिस तरह से इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो है पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार है कि इस पर पीछे हटने को राजी नहीं है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।